क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। देख लिंक डाला। अच्छा खुल गया, हाँ खुल गया। मतलब इसमें क्या है, इसमें देख एक मंक है इसमें भी, तो उसके पास है एन बैग है कैंडी बार से भरी, तो वो एक सेकंड में एक थैला पूरा खा सकता है कैंडी बार का। तो उसके पास है कुछ मिनट है, के मिनट्स है, वो घर पे जा रहा है ठीक एक है रास्ते से, तो उसके पास के मिनट है, के मिनट में मैक्सिमम बतानी कितनी कैंडी बार खा सकता हूँ। तो अगर अरे मैं कैंडी बार भी सिंपल कैंडी बार नहीं है, बैग मैजिकल बैग है, अगर एक मैजिकल बैग में 7 कैंडी बार है, 8 कैंडी बार है, तो अगर वो खा लेगा ना उसको, तो उसके बैग में दोबारा से अपियर हो जाएंगे उसका हाफ, और वो हाफ का वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे 7 है तो उसका हाफ है 3 आ जाएगा, 8 है तो उसका हाफ 4 आ जाएगा। तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा करेंगे, एक प्रायोरिटी क्यों लेंगे, उसमें पहले तो सारे जो बैग है वो पुश करवा देंगे। बैग पुश करवा के फिर इनने पूछ रखा कि के मिनट हमारे पास, तो के मिनट में वो कितनी कितने ज़्यादा कैंडी खा सकता है, तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे के तक का, और हर बार हम जो प्रायोरिटी क्यू में सबसे ज़्यादा कैंडी बार है ना जिस बैग में, उस बैग को खाएंगे, और उस बैग के में जितनी कैंडी बार है ना उसके हाफ कैंडी बार दोबारा प्रायोरिटी क्यू में डालते हैं। समझ में आया? अच्छा ठीक है, हाँ देख थोड़ा समझ कल गया। तो बता दूंगा मैं जेम बोर्ड, ठीक है? समझ गया वैसे तुम। ठीक है, तो इसके कोड पे कोड भेज रखा मैंने, कोड खोलिए। तो इसकी देख, पहले तो ये टेस्ट केस कितने पास करवाने, टी का ले लिया, मेन कोड है 15th लाइन से शुरू, एक तो सीन करवा लिया एन एंड एन एक करवा लिया के, एन मतलब जितने कैंडी बार के पाउच है, और के उसके बाद कितनी मिनट है, तो वही प्रायोरिटी क्यू ले ली, और प्रायोरिटी क्यू में पुश करवाते गए जितने भी एलिमेंट हैं। लाइन नंबर 29 में देख, पिक यू डॉट पुश बैक एक्स, मतलब ये एक्स है थिल्ले में कितनी कैंडी बार है, ठीक है? ठीक है अब हमारे पास है के मिनट, मतलब के मिनट है उसके पास, के मिनट में जितनी भी खा सकता हो वो खा जाएगा, तो 33 लाइन्थ में हमने फॉर लूप लगा दिया के टाइम्स, तो उसमें हमने जो भी प्रायोरिटी क्यू के आगे ना, मतलब उसके पास सबसे बड़ा थैला जो, मतलब उसके पास है थैले हैं 1 2 3 4 जिसमें कैंडी बार है, तो हमें जिसके थैले में 4 कैंडी बार होगी ना वो थैला ले लेंगे, और उस थैले में से 4 वो अपने सम में डाल देंगे, मतलब उसने 4 कैंडी बार खा ली, और अब हमें वो 4 का थैला तो हमने फेंक दिया, और 4 का थैला फेंक के उसमें 45th लाइन में देख पुश कर देंगे यू बाई टू, मतलब 39th लाइन में यू इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप बाई टू, मतलब जो भी सबसे ज़्यादा थैला था ना, सबसे बड़ा थैला था, उसकी जितनी कैंडी बार थी वो तो हमने खा ली, और जितनी उसका आधा ले लिया वो उसमें दोबारा पुश करवा दिया जैसे बताया था, वो एंड में हम जो सम हमारे हाँ पास आ ठीक जाए है, ना कैंडी बार का वो सी आउट करवा दें, ठीक है? ठीक है। अगला दे सारे बस एक टाइप के सारे,